सत्ते ट्यूजडे को 21 तारीख को सुबह बंडलगुड़ा में एम ए कॉलेज के पास लेआउट में एक लाश मिली थी। उसको इन्फॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की। इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, तबचापुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता। और इसमें है कि ये आसिफ और A1 जो है शेख इस्माइल अलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए। पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ। सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहा है बहुत दिन से। उस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, तो कैसे उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसके वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए, और उनके दोस्ता तीन और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा, जो आदमी जो मर गया उसको A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों इसी के ऑटो में बिठा के ये आसिफ के ऑटो में जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया आसिफ। होश में आके फिर उसको गाली देने लगा। उस टाइम पे ये लोग उसको डाइवर्ट करके यहाँ